चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। टुडे वी विल कंटिन्यू द एक्सरसाइज 6.3 ऑफ क्लास 9th, क्वेश्चन नंबर 11। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स क्यूब माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 41 एक्स माइनस 30। इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है इस पॉलीनोमियल को बाई फैक्टर थ्योरम से। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टर को हम फाइंड करेंगे, इस पॉलीनोमियल का कौन सा फैक्टर है। तो हम पहले क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर हम 1 मान लें, अगर एक्स की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं और इसी पॉलीनोमियल में एक्स की वैल्यू 1 को पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 यानी 1 का होल पावर 4 माइनस 5 1 का होल क्यूब माइनस 7 1 का होल स्क्वायर प्लस 41 इंटू एक्स के स्थान पर 1 लिख देंगे माइनस 30 हो जाएगा। तो 1 का होल पावर 1 हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा प्लस 41 हो जाएगा माइनस 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 41 प्लस 1 42 हो जाएगा और माइनस 5 माइनस 7 माइनस 30 माइनस 42 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 42 प्लस 42 कैंसिल आउट होगी, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स x माइनस 1 इज अ फैक्टर, x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर। हम क्या करेंगे, इसका एक और फैक्टर हम फाइंड कर लेंगे, x माइनस 1 एक हो गया, एक और फैक्टर फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, हम चेक कर लेते हैं कि ये भी इसका फैक्टर है कि नहीं। अगर यहाँ पे x के लिए हमने 2 रख दिया यानी x की पावर 4 यानी 2 का होल पावर 4 माइनस 5 का 5 एक्स क्यूब यानी 2 का होल क्यूब माइनस 7 2 का होल स्क्वायर प्लस 41 2 माइनस 30। अब यहाँ पे 2 का होल पावर कितना हो जाएगा, 2 का होल पावर यहाँ पे 16 आ जाएगा माइनस 5 इंटू 8 आ जाएगा माइनस 7 इंटू 4 प्लस 41 इंटू 2 माइनस 30। तो 16 यहाँ पे आ गया, 8 5 से 40 माइनस 74 28 प्लस 82 माइनस 30। अब इसको जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 98 माइनस 98। यहाँ पे प्लस 98 एट माइनस 98 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स यक्स माइनस 2 इज़ आल्सो अ फैक्टर, यक्स माइनस 2 भी इसका फैक्टर है। हम क्या करेंगे, जो हमारे दोनों फैक्टर है यक्स माइनस 1 और यक्स माइनस 2, इसको हम प्रोडक्ट में कर देंगे, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, यक्स माइनस 1 यक्स माइनस 2। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यक्स की मल्टीप्लेक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस यक्स इंटू 2 यानी 2 यक्स माइनस 1 इंटू यक्स यक्स आ जाएगा। फिर हम 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x आ जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा। ये सब क्या आ गया, फैक्टराइज करने पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ गया। अब ये जो हमारा फैक्टराइज करने पे जो हमारा आया है नंबर, यही नंबर को हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 जो हमारा पॉलीनोमियल उससे डिवाइड कर देंगे। हम इस पॉलीनोमियल को हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से हम डिवाइड कर देंगे। अब इसी को हम डिवाइड कर देंगे इस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से। अब यहाँ पे क्या x की पावर 4 है तो x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें, x की पावर 4 आ जाए। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें x स्क्वायर का तो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x की पावर 4 आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा यानी x की पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3x इंटू x स्क्वायर 3x क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो 2 प्लस 1 3 आ गया। अब यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे प्लस है, तो ये प्लस 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 हो जाएगा और 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, साइन यहाँ पे माइनस एक्स की पावर 4 और प्लस एक्स की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स क्यूब है, तो माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 एक्स क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा, 7 टू 9 हो जाएगा, 9 एक्स स्क्वायर प्लस 41 एक्स माइनस 30। अब एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे माइनस 2 एक्स क्यूब आ जाए,
यहाँ पे 2 लाना है तो यानी 2 से मल्टीप्लाई, माइनस लाना है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 लाना है 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स क्यूब है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे माइनस 2x का मल्टीप्लाई कर दें तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर तो माइनस 2x क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3x इंटू 2x, 3 2 6 हो जाएगा और x इंटू x एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे प्लस 2 माइनस 2 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4x आ जाएगा। साइन चेंज हो गया क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ से माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 9x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस 15x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 41 प्लस 4 45x माइनस 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इस स्क्वायर में एक्स स्क्वायर हम क्या मल्टीप्लाई करें, अब माइनस 15x स्क्वायर आ जाए। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें हम माइनस 15 का तो माइनस 15 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3x इंटू 15, 15 थ्री जा 45 आ जाएगा और एक्स का मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15 इंटू 2 तो 15 इंटू 2 30 आ जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा। यहाँ से माइनस 15x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 45 माइनस 45 ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 30 प्लस 30 ये भी कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा। इसका मतलब एक्स माइनस वन हमारा पहला फैक्टर कौन सा था, एक्स माइनस वन हमारा पहला फैक्टर हमारा आया था, और दूसरा फैक्टर कौन सा आया था, एक्स माइनस टू। दोनों फैक्टर को हमने लिख लिया। अब उसके बाद हमारा जो क्वोटिएंट आया डिवाइड करने के बाद, वो डिवाइड करने के बाद क्वोटिएंट आया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 15। अब यही जो क्वोटिएंट आया इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे 15 इंटू एक्स स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 15x स्क्वायर आ जाएगा। अब कोई ऐसा नंबर लेना पर इसे मल्टीप्लाई करने 15 आ जाए और ऐड या सेपरेट करना 2x आ जाए। अगर इसमें हम कर दें 5 थ्री ज़ा तो 5 तो 15 आ जाएगा और 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। इसको हम पुट कर देंगे x स्क्वायर माइनस 2x के स्थान पे हम क्या कर देंगे, माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15। यहाँ पे x माइनस वन ऐसे ही लिख लेंगे हम, x माइनस टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x में हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, यहाँ पे एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, फाइव बचेगा। यहाँ पे भी हम थ्री कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, प्लस माइनस माइनस जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में आ गया, एक्स माइनस टू भी एक ब्रैकेट में आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फाइव को हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे और एक्स प्लस थ्री को हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इफ एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।